हेलो गाइस, मैं प्रियल आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने इस चैनल पे प्रियल में रीजनिंग के अंदर। अगर आप लोग नए हुए, फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, सब्सक्राइब, शेयर और लाइक का बटन जरूर दबा दीजिएगा। आज मैं आपके सामने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने वाली हूँ। बहुत बच्चों मेरे से बोल रहे थे कि मैम बताइए कि नंबर सीरीज हुआ, इसे हम अगर बैंकिंग की प्रिपरेशन करते हैं तो नंबर सीरीज टॉपिक हुआ, सिंप्लीफिकेशन हुआ, जो इजीली स्कोरिंग टॉपिक्स होते हैं उसको हम लोग स्पीड कैसे मेंटेन करें। और नंबर सीरीज में इतनी दिक्कत है, जितना बनाए उतने ही मतलब कम है, जितनी बार हम सवाल बनाते हैं उतनी बार नया सवाल आता है और हमसे निकलता भी नहीं है। तो आज मैं इसी का सोल्यूशन बताने वाली हूँ कि कैसे हम नंबर सीरीज को हुआ चाहे सिंप्लीफिकेशन हुआ, कैसे हम इसमें स्पीड मेंटेन कर सकते हैं, कैसे हम इसमें फास्टनेस लेके आएंगे और एक्यूरेसी के साथ लेके आएंगे। तो इसके लिए एक छोटी सी टिप है, मेरा याद रखिएगा, यही चीज़ मैंने अपनी लाइफ में अपनाई जब मैंने प्रिपरेशन करी थी और यही टिप आप अपनाएंगे, रिजल्ट्स आपको 15 डेज में दिखने लग जाएगा। आप क्या करें, जब भी सुबह उठते हैं पढ़ने के लिए, मैंने हमेशा ये बोला है, पहले वो चीज़ करें जिसमें आपको कठिनाई होती है, जिसको आप इग्नोर करते हो। नंबर सीरीज टफ लगता है, इग्नोर करते हो, नहीं करना। सबसे पहले उठो, नंबर सीरीज को उठाओ, ठीक है। शुरुआत के एक हफ्ता ये करना है आपको, उठोगे नंबर सीरीज को उठाओगे। ये किताब है, मैंने आपको बताया था, किरण की एक बुक है, बैंक पीओ की। इसमें एक चैप्टर है नंबर सीरीज का नाम चैप्टर होगा, इसमें एक चैप्टर भी है नंबर सीरीज के नाम से, देख लीजिएगा। नंबर सीरीज के नाम से एक चैप्टर है, इसमें उसको निकालिए और उस चैप्टर के 15 क्वेश्चन कीजिए एक दिन में। पहले क्वेश्चन लिखो, पहले एक कॉपी मेंटेन करो आप लोग इसके अलग से कि रेगुलरली मुझे ये काम करना है। सुबह उठोगे, डेट डालोगे, आज आप 15 सीरीज को सॉल्व कीजिए। चाहे आप देख के सॉल्व करें, कोई बात नहीं, लेकिन देख के सॉल्व भी कैसे करना है आप। इसे मान लो एक सीरीज लिखी, आपने खुद से टाइम दिया, लगाया, नहीं निकला, आपने आंसर चेक किया कि भाई लॉजिक है, निकल गया आपसे, कोई बात नहीं। उसके बाद दूसरी बनाई, तीसरी बनाई, 15 सीरीज बनाई आपने। उसके बाद देखिए, उसके बाद केवल सीरीज को देखिए कि आप देख के समझ पा रहे हैं कि ये सीरीज आपको आगे तक याद कर रखनी है। तो आप देखिए भाई इसमें ऐसा क्यों हुआ है कि बाकी सब में ऐसा क्यों नहीं हुआ, इसी में ऐसा लॉजिक क्यों लगा है, उसको थोड़ा एनालाइज कीजिए, ठीक है। फर्स्ट जो आपने ये किया, अगले दिन आ जाइए। सेकेंड डे क्या करोगे, पहले जो हमने कल सीरीज करी थी उसको एक बार नज़र डाल लो कि भाई क्या क्या किया था, इसमें क्या लॉजिक लगे थे, कैसे कैसे लगे थे, लॉजिक नज़र डाल लिया। उसके बाद नेक्स्ट 15 सीरीज करोगे इसमें, ठीक है। सेम वो तरीका, एक नोट करो, पहले खुद से करो, नहीं आती है आंसर देखो, दूसरा करो, नहीं आती है आंसर देखो, ऐसे अगर 15 करोगे और देखिए उसमें कि भाई इसमें पिछले वाले में लॉजिक क्या लगा था, आज वाले में लॉजिक क्या लगा है। हो सकता है बहुत सारे लॉजिक सेम टू सेम होंगे, कुछ नए लॉजिक से मिलेंगे, कोई बात नहीं। अगले दिन वापस से उठो, ऐसे काम करो रेगुलरली, आपको एक हफ्ते तक ये सेम काम करना है, 15 सीरीज एक दिन में करनी है बस, और कुछ नहीं करना। जब आपका 7 दिन हो जाएगा, जब 8वां दिन आएगा तो क्या होगा, आपका दिन नोटिस करोगे आप लोग कि आपसे कुछ कुछ सीरीज बन रही है अपने आप देखोगे अपनी स्पीड आ रही है। अब इसको और बेहतर कैसे करें, आप क्या करो, टाइमर सेट करना स्टार्ट करो। जैसे कि आपने 15 पहले 15 मिनट का टाइमर सेट करो, 15 मिनट्स का टाइमर सेट करो और ट्राई करो कि 15 मिनट में मुझे 10 सीरीज को सॉल्व करना है। बस अभी टारगेट इतना ही रखते हैं कि भाई 15 मिनट है मेरे पास, 15 मिनट में मुझे 10 सीरीज सॉल्व करनी है। ये टारगेट कम से कम 4 से 5 दिन तक रखो, 15 मिनट दो, 10 सीरीज सॉल्व करो, बनेगी। और जो नहीं बनती उसका आंसर देखो, देखो कि कहाँ पे गलती हुई, ठीक है। शाम को जब एक बार जब सोने को हो रहे, जब जा रहे हो, जब कोई सब बाइंड अप कर रहे हो, तो एक बार देख भी लो उसको रिवाइज करते समय कि हाँ भाई इसमें ऐसे हुआ, इसमें ऐसे हुआ, तो कोई बात नहीं। अगले दिन वापस से आए, वापस 15 मिनट का टाइम लगाया, वापस से सॉल्व किया हमने, आप देखोगे धीरे धीरे आपकी स्पीड भी बढ़ने लग जाएगी। ऐसे करोगे आप, स्पीड बढ़ेगी। आप रेगुलर मेंटेन रखिए कॉपी को, मैंने मतलब मेरे पास कॉपी अभी है नहीं, तो मैं दिखाती, मैंने इसमें कॉपी मेंटेन रखी थी। मैं तो सीरीज के लिए भी यही काम करती थी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए भी यही काम करती थी और आपका सिंप्लीफिकेशन के लिए यही काम करती थी, क्योंकि स्पीड आना बहुत ज़रूरी है आपको। सिंप्लीफिकेशन तो 5 मिनट के अंदर, नहीं 5 सिंप्लीफिकेशन आते हैं वो 3 मिनट के अंदर सॉल्व करने होते हैं, तभी आप बन पाओगे। और नंबर सीरीज का मैक्सिमम से मैक्सिमम 5 नंबर सीरीज आएगी, आपको 4 साढ़े 4 मिनट में निकालना ही निकालना है, वरना कोई मतलब वाली बात नहीं रह जाएगी इसके अंदर, ठीक है। तो ये आपकी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस है, जिससे आप जब तक एग्जाम आएगा आप रेगुलरली आप कीजिए, आपकी स्पीड अपने आप बढ़ेगी। कोई और किताब मत लगाइए, ये किताब आपके पास अवेलेबल है, इस चैप्टर, इस बुक के अंदर आपका नंबर सीरीज चैप्टर है, हजारों नंबर सीरीज दे रखी है, इसको प्रैक्टिस कीजिए, आपकी स्पीड अपने आप बढ़ेगी। ऐसे ही मैं आपके सामने बहुत से छोटे छोटे वीडियोज़ लेके आती रहूँगी कि कौन से टॉपिक को हमें कहाँ से पढ़ना चाहिए और कैसे पढ़ना चाहिए, कि जिससे कि आपका एफिशिएंसी भी है, कम समय में ज़्यादा एफिशिएंसी है।
अगर आपको लगता हो कि आपके लिए बेनिफिशियल है तो जरूर लाइक कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैम ऐसे वीडियोज आप लाते रहे, अगर आपको अच्छा लगेगा तो मैं ऐसे वीडियोज और भी आपके लाती रहूंगी। ठीक है, तो टेक केयर, सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। बाय बाय।